लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों के नेताओं पर शब्दों के बाढ़ चलाते हैं तो विरोधी दलों के नेता भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी भाषण में शब्दों की कमी पड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू प्रसाद यादव ने कुछ शब्दों को शेयर कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं अपने भाषणों में केवल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने तंज कसा कि ये शब्द पीएम के पसंदीदा हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने बकायदा दो सूची जारी की और बताया कि प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में किन किन शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं और किन किन शब्दों का प्रयोग एकदम नहीं करते हैं। देशवासियों को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने ये भी लिखा कि हिंदी भाषा में आज करीब 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं। वहीं अध्ययन की सभी शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर करीब 6.5 लाख शब्द हैं। इसके आगे उन्होंने लिखा कि लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पसंदीदा शब्द पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस है। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव ने शब्दों की एक और लिस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाषण में इन शब्दों का इस्तेमाल करना गवारा नहीं है। इन शब्दों को वो भूल गए हैं कि नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र विज्ञान, नौजवान इत्यादि, ये सब शब्द हैं। लालू प्रसाद यादव ने इसके आगे ये कहकर तंज कसा कि ऊपर की लिस्ट पहले दो चरणों के चुनाव होने तक की है। सातवें चरण तक इस लिस्ट में कुछ दो चार नाम और बढ़ सकते हैं।